नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं कृति। सियासत में झगड़े चलते रहते हैं और नेता आपस में भिड़ते रहते हैं, लेकिन आज हम आपको जो कहानी बताने वाले हैं ये थोड़ी अलग है। यहाँ पर सड़क को लेकर के दो नेता आपस में भिड़ गए। जी हाँ, भाजपा के छेदी पासवान और राजद के अशोक कुमार एक सड़क के शिलान्यास को लेकर के आपस में भिड़ गए और इस पर जमकर सियासत भी हुई। तो चलिए आपको बताते हैं कि पूरा मामला है क्या और ये झगड़ा किस बात को लेकर के हुआ है। दरअसल प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत बनने वाले बेलाढ़ी बाबू सड़क का कल 17 जनवरी को स्थानीय राजद विधायक डॉक्टर अशोक कुमार ने शिलान्यास किया था। उन्होंने इस पर अपनी शिलापट्टी भी लगाई थी, लेकिन आज दोबारा इस सड़क का शिलान्यास हुआ जो कि भाजपा के स्थानीय सांसद छेदी पासवान ने किया था। अब इस मामले को लेकर के सियासत गर्म हो गई है और दोनों आपस में भिड़ गए हैं। आपको बता दें कि इसके बारे में राजद विधायक कहते हैं कि उनके प्रयास से ये सड़क बना है और एक दशक से अधिक समय से ये सड़क कानूनी झमेले में फंसकर लंबित था, जबकि सांसद छेदी पासवान का कहना है कि प्रोटोकॉल के अनुसार प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के सड़कों का शिलान्यास उन्होंने किया है। अब इस बात को लेकर के दोनों नेता आपस में भिड़ गए हैं कि एक ही सड़क का दो बार शिलान्यास किया गया है, वो भी दो अलग अलग पार्टियों के द्वारा। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।